Good morning, students. Today I am going to teach you the chapter 5, Helen Keller. Do you heard the name Helen Keller? I just explained the name Helen Keller. Helen Keller ka full name tha Helen Adams Keller. She was an American author, political activist and lecturer. She was the first deaf blind person to earn a बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री. मतलब उन्होंने सबसे पहले लेडी थी जिन्होंने डेफ मतलब बोल नहीं सकती थी और अंधे भी थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए डिग्री हासिल किया था. उनका जन्म हुआ था यूएसए में, सॉरी डेफ मीन्स उन्होंने कान में सुनाई नहीं देता था उनका. 27 जून 1880 यूएसए में जन्म हुआ था एंड डाइड 1 जून 1968 यूएसए में. Now identify the people in the pictures and tell why they are famous. यहाँ दो पिक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है. नंबर वन है स्टीफन हॉकिंस, ही वॉज द फिजिसिस्ट एंड शी हर नेम इज सुधा चंद्रन एंड शी इज द फेमस भरतनाट्यम डांसर. वट मैसेज डू दे कन्वे टू आस? Identify the people in the picture, tell why they are famous. Both of them are in disabled persons and what message do they convey to us? We don't need your sympathy, we need your cooperation. This is what the differently able convey to us. ये लोग हमको यही बताते हैं कि हमको इनका इनके लिए हमको दया नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो है कोऑपरेशन मतलब सपोर्ट चाहिए. डिस्कस इन ग्रुप्स हु आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हाउ कैन यू कोऑपरेट विद देम एंड राइट द नेम्स ऑफ सम पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड येट फेमस. ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. इन अलाबामा इन द समर ऑफ 1880 केट एडम केलर गेव बर्थ टू अ लवली डॉटर. कैप्टन आर्थर एच केलर वॉज डिलाइटेड to be a father of a cute girl. The baby was named Helen. The playful child started growing like any other child of her age. But when she was 19 months old, she got fever which stayed high for a long time. The doctor said that her stomach and brain were affected. They feared that she might not even live. इन द समर ऑफ 1880 में अलाबामा में जो यूएसए में है, केट एडम केलर गेव बर्थ टू अ लवली डॉटर. हेलेन केलर की मदर का नाम था केट एडम केलर, उन्होंने एक छोटे से लवली डॉटर का जन्म दिया. कैप्टन आर्थर एच केलर वॉज डिलाइटेड टू बी अ फादर ऑफ ए क्यूट गर्ल. पापा का नाम था कैप्टन आर्थर एच केलर एंड वो बहुत खुश थे कि एक छोटा सा बेबी गर्ल का जन्म देने के बाद. द बेबी वॉज नेम्ड हेलेन, बेबी का नाम क्या रखा गया? हेलेन. द प्लेफुल चाइल्ड स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक एनी अदर चाइल्ड ऑफ हर एज. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोइंग चाइल्ड थे एंड उसकी उम्र के सारे बच्चों की तरह अच्छे से वो ग्रोन अप हो रहा था. बट वेन शी वॉज 19 मंथ्स ओल्ड, जब उनका 19 मंथ्स एज हुआ, शी गॉट फीवर विच स्टेड हाई फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसकी भी बुखार आया और बहुत दिन तक उसका लंबा देर तक बुखार चला. द डॉक्टर सेड दैट हर स्टोमक एंड ब्रेन वर अफेक्टेड. डॉक्टर ने बताया कि उसकी पेट और दिमाग दोनों में इसका असर है. दे फियर दैट शी माइट नॉट इवन लिव, मतलब उनको ये भी डर लग रहा था कि मे बी वो अभी ना भी बचे. लकीली द बेबी गॉट ऑल राइट, बट लकीली क्या हुआ, फॉर्चुनेटली द बेबी मतलब कम्प्लीटली ओके हो गया. बट शी डिड नॉट बिहेव द सेम वे एज शी डिड बिफोर, बट उनका जो बिहेवियर था वो पहले की तरह नहीं रहा. हर मदर नोटिस्ड दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विथ हर. तो माँ सबसे पहले नोटिस किया कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है. ग्रेजुअली शी फाउंड आउट दैट हर डॉटर कुड नीदर हियर नॉट सी. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसकी मम्मी ने ये नोटिस किया कि उनकी बेटी ना तो सुन पा रहा है ना तो देख पा रहा है. एज ए रिजल्ट शी कुड नॉट इवन स्पीक, और उसके साथ साथ वो बोल भी नहीं पा रहे थे.
she became a cranky child and held on her to mother all the time. Cranky means बिल्कुल बैड टेम्पर्ड, ऑलवेज जो बच्चा गुस्से में रहते हैं, बहुत ज्यादा मिसबिहेव करते हैं, इस टाइप का बच्चे को बोलते हैं क्रैंकी. तो शी बिकम अ क्रैंकी चाइल्ड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर ऑल द टाइम. मम्मी के ऑलवेज वो परेशान करते. एट टाइम्स व्हेन पीपल फेल टू अंडरस्टैंड हर, शी थ्रू थिंग्स हियर एंड देयर. इन दिस दैट टाइम जब लोग उनको समझने में बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे बच्चे को, उन्होंने एक दूसरे के जगह पे वो चीजों को छोड़ना शुरू किया, मतलब तोड़ना फोड़ना ये सब. द ओनली पर्सन शी कुड टॉक टू वॉज द डॉटर ऑफ द फैमिली कुक हु अंडरस्टूड द साइंस शी मेड. तो वो जिनके जिसके साथ बात कर रहे थे उनके घर में जो कुक था उनकी बेटी के साथ, एंड वो लड़की उनकी जो साइन है उनका जो जेस्चर है उसको समझ पाते थे. हर पेरेंट्स वर हेल्पलेस, However, they tried their best to keep her happy. हेलेन की मम्मी पापा हेल्पलेस हो चुके थे, बहुत ज्यादा असहाय हो गया था और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे बच्चे को हैप्पी माने खुश रखने का. Looking at her plight, people started asking her parents to send her to a special home. Plight means bad condition. उसका जो condition था बहुत ही बेकार, मतलब काबू, एकदम हालत काबू में नहीं था. तो ये हालत देखते हुए बाकी लोग सजेशन दे रहे थे उनकी मम्मी पापा को कि इसको स्पेशल कोई होम में इनको भेज दो. दे थॉट शी वुड बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद सिमिलर चिल्ड्रन देयर. क्योंकि हम लोग सब जानते हैं स्पेशल होम जहाँ पे होता है बच्चों का, वहाँ पे सारे बच्चे एक जैसा होता है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना उनको आसान हो जाता है. बट हर मदर कुड नॉट बेयर टू सेंड हर चाइल्ड अवे. बट हेलेन की मम्मी उनको उनके पास से दूर रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. शी वुड से हेलेन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल बट इट इज़ आर फॉल्ट दैट वी डू नॉट नो हाउ टू अंडरस्टैंड हर. उसकी मम्मी ने ये बोला, हेलेन बहुत इंटेलिजेंट बच्चे है बट ये हमारा फॉल्ट है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे. देन हेलेन्स पेरेंट्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ टीचर फॉर हर. अब हेलेन्स के मम्मी पापा उसके लिए एक टीचर या शिक्षिका का तलाश में लग गए. फाइनली दे फाउंड वन. फाइनली एक टीचर को वो लोग ढूंढ निकाला. शी वॉज अ 21 ईयर ओल्ड वुमेन. वो कौन थे? एक 21 साल की एक लड़की थी. हर नेम वॉज मिस सलीवन. उनका नाम था मिस सलीवन. शी स्टार्टेड टीचिंग हेलेन थ्रू द सेंस ऑफ टच. आप हेलेन को उन्होंने कैसे शुरू किया टीचिंग करना? थ्रू सेंस ऑफ टच, मतलब टच मूवमेंट के साथ उन्होंने शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल शी मेड हेलेन टच अ डॉल एंड रोट द स्पेलिंग DOLL. तो पहले उन्होंने एक डॉल लिया और डॉल को उन्होंने गुड़िया को उसके सामने रख के उसको टच करवाया और उसके बाद वो स्पेलिंग लिखवाया DOLL डॉल ऑन हर हैंड विथ हर फिंगर. खुद के हाथ से फिंगर से उसने लिखवाया. Then she made her touch the doll and feel it again. उसके बाद फिर से डॉल को टच करवाया, फिर से वो समझ पाया ये डॉल है. This went on with other words such as water, flower, tree, etc. इसके बाद सच अलग अलग जो क्या बोले वर्ड्स था उसके ऊपर भी ये ऐसे ही थेरेपी उसने चालू किया. So with the help of the sense of touch and smell the young teacher made Helen learn words and sentences day and night. ऐसे ही हेल्प करते हुए सेंस ऑफ टच एंड स्मेल, जो चीज़ खाने का होता था उसका वो स्मेल कराता था, मतलब सुखाते थे, और जो चीज़ टच कराने का था वो टच करा के उसने एक एक वर्ड को समझा के एक एक सेंटेंस डे और नाइट में उन्होंने तैयार किया. शी लव्ड हर स्टूडेंट वेरी मच. और जो सलीवन, जो मिस सलीवन जो टीचर थे उनके स्टूडेंट को बहुत प्यार करते थे. बट समटाइम्स व्हेन हेलेन मिसबिहेव्ड She became strict with her. कभी कभी जब हेलेन बहुत मिसबिहेव करते थे मम्मी के साथ, पापा के साथ और किसी के साथ, तब वो बहुत स्ट्रिक्ट भी होते थे. हेलेन adored her and they remained friends for 49 years till Miss Sullivan died. हेलेन उसको बहुत प्यार करते थे, loved, adored means loved, और till 49 years, जब तक Miss Sullivan का डाइट नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ, तब तक ये दोनों बहुत अच्छा से फ्रेंड्स बन के रहे.
हेलेन वर्क वेरी हार्ड एंड गॉट अ बीए डिग्री. हेलेन बहुत ज़्यादा मेहनत करके बीए डिग्री हासिल किया. शी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ पोर एंड होमलेस पीपल. उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीब लोगों का, जो होमलेस अनाथ है, उन बच्चे का प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे थे. शी ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर नॉट ट्रीटेड वेल इन दोज डेज. उन्होंने राइट्स मतलब वुमेन अधिकार मतलब नारी अधिकार के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई किया था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम उस जमाने में बहुत ज़्यादा नारी अधिकार के खिलाफ लोग जाते थे और उनका जो भी राइट्स है उसको बिल्कुल खर्ब किया जाता था. शी स्पोक फॉर द वर्कर्स राइट्स ऑल्सो. उसने जो हेलेन जो है उन्होंने वर्कर्स जो नारी श्रमिक थे उनका राइट्स को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पोक फॉर द वर्कर्स राइट ऑल्सो. स्पोक मतलब उन्होंने बात किया था. शी वॉज अगेंस्ट वर्ड एंड एयर्ड हर व्यूज. बहुत ज़्यादा वो लड़ाई के खिलाफ था और स्पोक अबाउट इट और इनके बारे में बोलते थे हर जगह. इन स्पाइट ऑफ अ डिजेबिलिटी, उनका इतना डिजेबिलिटी होने के बावजूद, शी रोट 12 बुक्स और 12 किताब उन्होंने लिखा था. हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज़ वेरी फेमस बुक. उनका ऑटोबायोग्राफी जो था स्टोरी ऑफ माई लाइफ बहुत फेमस था. शी ऑल्सो अर्न मैनी अवार्ड्स फॉर अ नोबल वर्क. बहुत ज़्यादा उन्होंने अवार्ड हासिल किया उनका जो भी नोबल वर्क था उसके ऊपर. शी वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड वुमेन ऑफ अ टाइम्स. उनके जमाने में वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन था. शी लिव्ड अप टू द एज ऑफ 87 एंड डाइड ऑन June 1st 1968. उन्होंने 87 ईयर्स तक जिंदे थे एंड उनका डेथ हुआ था 1968 फर्स्ट जून. द वर्ल्ड स्टिल रिमेंबर्स हर एज अ वुमन ऑफ करेज कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन. आज भी जमाना उसको उनको याद करते हैं उनका साहस उनका कॉन्फिडेंस और उनका स्ट्रॉन्ग जो विश्वास था उसके ऊपर. आज अब मैं यहीं पे चैप्टर को ख़त्म कर रही हूँ. अभी मैं हार्ड वर्ड्स मेंशन कर रही हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लेना और जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी नोट डाउन कर लेना. नंबर 1 डिलाइटेड, नंबर 2 क्यूट, नंबर 3 स्टेज, नंबर 4 स्टोमैक एंड ब्रेन, देन अफेक्टेड एंड फियर्ड, देन बिहेव, नोटिस्ड, क्रैंकी, साइंस SIGNS साइंस, प्लाइट, स्पेशल होम, कम्युनिकेट, इंटेलिजेंट, स्टार्टेड एग्जाम्पल, मिसबिहेव्ड, एडोर्ड, रिमेन्ड, होमलेस, ट्रीटेड, डिजेबिलिटी, एयर्ड हर व्यूज, ऑटोबायोग्राफी, रेस्पेक्टेड, करेज, कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.